दोस्तों जिस तरह सिक्योरिटी अभी दरवाजा खोल रहा है, इस तरीके से अभी शाहरुख खान हो सकता आने वाले हों। और ये जो देखिए मन्नत लिखा हुआ नेम प्लेट, ये हीरे का है, अभी 5 करोड़ का है। और देखिए गेट पे दोनों साइड लिखा हुआ, पहले दूसरा था, अभी कुछ और देखने को आपको मिल रहा, काफ़ी चेंज करके अट्रैक्टिव लग। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो शाहरुख खान के घर में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी खूबसूरत घर, इस घर का नाम मन्नत है। अभी देखेंगे इनका घर में 3 पार्ट आपको दिखाया था, जो बीच वाला है यहाँ पे चेयर रखा जहाँ पे शाहरुख खान शाम के टाइम आराम करते हैं। और साइड में देखेंगे 2 गमले रखे हुए, इस गमले के जस्ट ऊपर ध्यान से देखेंगे तो कैमरा लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में, मैं अपना दोस्त नंदलाल गुप्ता। दोस्तों मैं आ गया हूँ गोरखपुर से चल के मुंबई के बांद्रे इलाका में। प्रेजेंट टाइम में देख पा रहे जो मेरे पीछे घर दिख रहा है, ये शाहरुख खान का घर है। ऑलरेडी उनको तो आप लोग जानते ही होंगे, उनके बहुत सारे हिट फिल्में हैं। एक एग्जाम्पल की बात करें तो करण अर्जुन जो पुराने समय काफी फेमस था। सिर्फ बैक साइड में देखें, दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, अगर देखेंगे तो आपको ये समुद्र। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि पूरी बायोग्राफी क्या क्या है, इनके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं, टोटल इसका इनका कितना इनकम है, इनकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं, मतलब इनकी सारी जानकारी अभी आपको कुछ ही पल में अपने वीडियो के माध्यम से देने वाले। जो वो गेट है वो मन्नत देखिए लगा भी जस्ट में जल्दी नहीं लगा। तो दोस्तों देखते थे शाहरुख खान के घर के सामने जो है ना एक अरबियन समुद्र है, काफ़ी खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा जस्ट इनके घर के सामने। यहाँ लोग बहुत लोग टहलने आते हैं, फैमिली वाले भी आते हैं और जो होते हैं अपने कपल भी आते हैं। इस तरीके से देख सकते जस्ट जो घर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा पेड़ के सामने, वही उनका मन्नत घर भी। मैं पास से चल के घर को दिखाता हूँ और सारी क्लियरिटी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर टहलने के लिए काफ़ी खूबसूरत आपको जगह देखने को मिल जाएगी। और बात करते हैं ऑटो ऑटो भी गाड़ियों के साधन आपको आराम से मिल जाए, देख रहे गाड़ियाँ भी जा रही हैं। तो दोस्तों अगर बताते चलो ये जो शाहरुख खान का घर है, करीब करीब लोग बात करें तो लोग बताते हैं कि ये करीब 200 करोड़ का घर होने वाला है। और काफ़ी डिजाइन कलेक्शन जो घर का डिजाइन है उन्होंने किया, काफ़ी खूबसूरत है। और हाल ही में इन्होंने नेम प्लेट चेंज करवाया है, क्योंकि भी चलो मैं पास से नेम प्लेट का भी दिखाऊंगा कि कुछ लोग बताते हैं कि हीरे का है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर हीरे का रहता ना तो ऑलरेडी समझ सकते हैं क्रेड पढ़ ही जाती है। अभी चलते हैं एकदम करीब से जो नेम प्लेट है आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, इसको वीडियो में बने रही, काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों देख सकते मैं पास में आगे देखिए हीरे का नहीं है और इसके लोग बताते हैं कीमत 5 करोड़ में। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन देख सकते काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनका घर एक दुबई में भी है और यहाँ पर देखिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इनकी अगर बायोग्राफी की बात करें तो इनका जन्म 1965 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद है और इनकी माता का नाम लतीफ़ फातिमा है। उनकी एक बड़ी बहन भी जिनका नाम शहनाज लाला रुख है और ये शाहरुख खान के साथ मुंबई में रहते हैं। इसकी जानकारी इनकी पढ़ाई की बात करते हैं, इनकी स्कूलिंग जो पढ़ाई थी कोलम्बस सेंट स्कूल में हुआ था और इनके स्नातक की पढ़ाई के लिए इन्होंने हंसरत कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उनका अधिकतर समय जो था ना दिल्ली थिएटर में ही बीतता था। दोस्तों अगर इनकी करियर की बात करें तो शाहरुख खान का करियर टेलीविज़न से शुरुआत हुई थी और दिल दरिया फौजी सर्कस जैसे सीरियल से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत की बात करें तो दीवाना से हुई थी जो काफ़ी हिट हुई थी। इसके लिए आपको नवोदित अभिनेता का फिल्मेयर पुरस्कार भी मिला था। उस समय यह फिल्म सुपरहिट इसी फिल्म से शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री स्थापित कर लिया था। इसके बाद शाहरुख खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे लगातार असफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। और इनकी फेमस फिल्मों की बात करें दीवाना हो गया, जिगर, डर कभी हाँ कभी ना, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चाहत, कोयला, यस बास, परदेस, दिल तो पागल है, दिल से कुछ कुछ होता है, जोश, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, देवदास, कल हो ना, मैं हूँ, वीर जरा, डाक, चक दे इंडिया, ओम शांति, ओम रब, मतलब मैं आपको कितना गिनाऊं, ऐसे इन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी। हाल में इनकी मूवी पठान रिलीज होने वाली जो 25 तारीख को शायद होने वाली है, लेकिन अभी देखते हैं कुछ लोग उसको बाइकॉट बोल रहे हैं, कुछ लोग अभी देखने के जोश में हैं। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, वो तो पब्लिक के हाथ में है। देखिए अभी गेटमैन इनका दरवाज़ा खोल रहा है और हो सकता है शाहरुख खान इससे आने वाला कुछ आइडिया नहीं था, अचानक से गेट बंद भी होने वाला है। अब पता नहीं पब्लिक ज़्यादा भीड़ लगा दी उसकी वजह से हो सकता है कि गेट पर आना इन्होंने बंद कर दिया, और जो भी उनका प्लान हो कुछ हम लोग कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों एक बात मानना पड़ेगा, इनकी फ़ैन फॉलोइंग की बात करें काफ़ी ज़बरदस्त इनकी फ़ैन फॉलोइंग है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, हमेशा भीड़ लगी रहती है, आते हैं फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं। देखिए अभी एक लोग जा रहे हैं सामने भुगते भैया अब फोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसे मतलब कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी कंटिन्यू लोग आ रहे हैं जा रहे हैं फोटो खिंचवा रही हैं, ताता एकदम लगा हुआ कंटिन्यू ऐसे चलती जा रही है गाड़ियाँ। देखिए अभी मैम जा रही हूँ वो भी फोटो खिंचवाएंगे क्लिक करेंगे, इस तरीके से सारा इनका सिलसिला पूरा दिन चलता रहता है।
दोस्तों अगर शाहरुख खान के नेटवर्थ की बात करें तो शाहरुख खान ने जितना अपना नाम कमाया है ना उससे ज़्यादा कहीं इन्होंने पैसा भी कमाया है। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो 770 मिलियन डॉलर बताई जाती है। अगर भारतीय रुपये में बात करें तो 6142 करोड़ रुपये है, यानी 61 अरब 42 करोड़ रुपये है। इसके अलावा शाहरुख खान के पास करीब 12 लग्जरी गाड़ियाँ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो मन्नत यानी शाहरुख खान के जो घर की कीमत मन्नत वाली जो अभी आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ये 200 करोड़ रुपये है। अलीबाग में उनका एक फार्मा हाउस जो 20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसके अलावा इनका एक घर दुबई में है जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपया बताया जाता है। और कुछ लोग का मानना है कि इनका घर लंदन और इंग्लैंड में है जिसकी कीमत करके बात करें तो करोड़ों में है। दोस्तों देख सकते हैं मैं जूम करके इनका घर देख रहा हूँ, जो बीच वाला पोर्शन यहाँ पर शाहरुख खान आते हैं और जब उनके पास खाली टाइम रहता है तो वहाँ पर आराम करते हैं। देख रहे हैं बीच में सेंटर में एकदम रहता है और जो साइड में जो गमले लगे हुए हैं और वहाँ पर ये क्या करते हैं मतलब कि इनके जो बच्चे लोग होते पढ़ाई भी करते हैं। और देखिए गेट का काफ़ी सुंदर आपको नज़ारा देख रहा है। लेडी जितना देर मैंने शूट किया काफ़ी आ रहे थे फोटो खिंचवा रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था वैसे बाकी लोग भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अभी देखिए मैं चल रहा हूँ, जो मन्नत है इसको एकदम कैमरे को पास आकर के दिखा रहा हूँ ताकि जो हीरे जैसा लग रहा था आपको दिखाई। देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए छोटे छोटे कांच के हैं। कुछ लोग कह रहे थे हीरे के 5 करोड़ के, लेकिन एक्चुअल मुझे भी आइडिया इसके बारे में नहीं, आप समझ सकते हैं जैसे सब लोग वैसे मैं भी। आप देखेंगे मन्नत काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और ये नेम प्लेट जो है ना रात को काफ़ी खूबसूरत लगता है, जब लाइट इसमें जलती है ना एकदम पूरा 4 चांद लगाने वाला होता है, काफ़ी खूबसूरत ये नेम प्लेट इनका लगता है। दोस्तों जैसे इनका जो घर है मैं सीधे दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा साइड होकर के आप देखेंगे यहाँ से एक रास्ता लगा हुआ है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ रास्ता लगा हुआ। और जो देखिए सामने कैमरा मतलब बहुत हर जगह पर कैमरा लगा हुआ था, देखिए जो गमला दिख रहा है उसके जस्ट ऊपर भी कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पर उनके कुछ लोग बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, अपना टाइम भी मतलब जो भी व्यतीत करते हैं। जो बीच वाला एक झूला लगा हुआ वहाँ पर शाहरुख खान जो रहते हैं अगर फ्री टाइम रहता है तो वहाँ झूला झूलते हैं। अब देखेंगे बाकी साइड से घर का किनारा इनका होगा, देखिए जाली जाली एकदम पूरा बंधवा दिए और देखेंगे देखिए लाइट पूरा एकदम लगा हुआ काफ़ी अट्रैक्टिव। साइड से देखेंगे दूसरी जो कॉलोनी या सोसाइटी रहेगी वहाँ से जाने का रास्ता आपको मिल जाएगा। अब देख पाए इधर बसें गाड़ियाँ सभी जाने का भरपूर साधन आपको मिलने वाला है। इस घर की बात करें जस्ट जो आपको अरबियन सागर होने वाला है ना इसके सामने ही होने वाला, तो कुछ लोग उसके वजह से भी आते हैं और बाकी इनका नेम फेम तो बना हुआ इसकी वजह से भी काफ़ी लोग आते हैं। दोस्तों अगर इनके पारिवारिक तौर पर बात करें तो प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा अपने माता पिता के देहांत के बाद ये सीधा दिल्ली से मुंबई चले आए थे और इनका विवाह 1991 ईस्वी में उन गौरी के साथ हुआ था जो हिंदी रीति रिवाजों के साथ हुआ था। और इनकी 3 संतानें हैं, जो पहले इनके पुत्र हैं उनका नाम आर्यन है और उनका डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1997 ईस्वी में है। और उसके बाद उनकी एक पुत्री जो थी सुहाना जिनका नाम है वो करीब आज के डेट में 22 साल हो चुके हैं, उनका जन्म 2020 में हुआ था। और इनके छोटे जो सबसे पुत्र हैं इनका नाम अब्राहम है। तो दोस्तों इस तरीके से शाहरुख खान जी का घर मैंने आप लोग को दिखाया, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा। जो मन्नत घर काफ़ी खूबसूरत और ये जस्ट जो को आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से जो दिखा रहा समुद्र ये है अरबियन सागर और देखिए जस्ट इसके सामने पूरा रोड वोड लगा हुआ, ऑटो लगे साधन पूरा जाने का है। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब एक अच्छे जगह पर इनका घर है, मतलब आने जाने का रास्ता भी पूरा एकदम कट टू कट क्लियर है और पूरा काफ़ी हमेशा भीड़ लगी रहती है। उम्मीद करता हूँ घर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में किस एक्टर का आप लोग घर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इधर देखिए एक घर देखो सामने किसी और बिजनेसमैन का भी काफी जबरदस्त आपको देखने को लग रहा होगा, मतलब इनके घर के सामने जो सोसाइटी है सभी एक्टर का तो है ही, इसके साथ साथ कुछ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उन लोग का भी घर, वो भी एक लोग बढ़ चढ़ के हैं, उनकी भी मकान है जो बिल्डिंग है ना काफी एकदम बड़े बड़े लेवल पे है, मतलब इस सोसाइटी में बड़े ही लोग हैं। और बाकी जो समुद्र किनारा देखिए 4 चांद लगाने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में एक नए